हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। तो ये आपके लिए इंग्लिश का एक तरफ से क्रैश कोर्स है, जिससे कि 10वीं क्लास में जो बच्चे अभी नए नए अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी मे बी अगर वो ग्रामर के इस पूरी सीरीज को कवर करता है तो वो इंग्लिश में अच्छे से आराम से पास हो सकता है। तो इसकी करीब 5 से 6 वीडियोस बनेगी पूरी सीरीज में, जो कि आप पेपर से पहले पहले कवर करवा दूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझोगे तो मे बी पेपर में आराम से ईजिली इंग्लिश में पास हो पाओगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा टेंस। टेंस कितने प्रकार के, तो मैं इसमें आपको बिल्कुल डीपली नहीं बताने वाला कि भाई बिल्कुल डीप में पूरा एक्सपेंड करके जाऊँ। मैं आपको छोटे मोटे मोटे चीज़ें बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन करते समय आपको डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, उसको सॉल्व भी कर सको। क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन नहीं आती, ट्रांसलेशन आती है नहीं, वो तो आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस दे देते हैं, ठीक है ना, फिर एक खाली स्थान दे देते हैं, फिर उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भरना होता है या फिर ऐसा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के आते हैं ना, आप लोगों ने मॉडल पेपर में देख रखा हो। ट्रांसलेशन नहीं आती, तो हम ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट है कि भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब होगी, कौन सा टेंस होगा, क्या उसमें सहायक क्रिया लगाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरा एक टेबल बना के पूरा टेबल चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप भूल भी जाओ तो पेपर के टाइम में वीडियो बन रही है, चैनल पर जाओगे वीडियो दोबारा देख लें पेपर के टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस, और तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। इतना सभी को पता है? इतना तो छठी सातवीं क्लास से पढ़ते पढ़ते रट गया है नहीं? उसके बाद आपको इतना पता है प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। अब जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो अभी टाइम चल रहा है। अभी अभी टाइम चलने में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हो, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे पोएम बोल रहे हैं, तो सारे के सारे अभी जो समय चल रहा है वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में जो समय बीत गया, जैसे आप लोगों ने सुबह प्रेयर करी थी, ठीक है ना, आप लोगों ने सुबह सुबह उठ के फ्रेश हुए, या तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, 2-4 बच्चे हैं ऐसे, है ना पुष्पा, हुआ था फ्रेश? यस सर। ठीक है, इसकी फोटो शकल दिखा देना अच्छे से, बस आगे लगा दो, बस बस। तो पास्ट टेंस समझ में आ गया, जो समय बीत गया। उसके बाद फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है वो आने वाले 5 मिनट का भी हो सकता है या फिर आने वाले 5 साल का भी हो सकता है, जैसे कि भाई 5 मिनट बाद चौथा बैल खत्म हो जाएगा, ठीक है, 24 मार्च को आप लोगों की एग्जाम है होंगी, तो वो सारे सारे क्या हो गए हमारे? फ्यूचर टेंस। आगे बस समझ में। अब उसके बाद इन सभी के 4-4 भेद होते हैं। पहला था हमारा इनडिफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि टेबल बनाएंगे तो टेबल में डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है भाई, अब अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, तो इन सब के आगे ये लगा देना, प्रेजेंट का बोलना है तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे बस समझ में। दीपक मेरे साथ साथ बोलते भी जाना, मुंह को खोलना है, तेरी मुंह नहीं खुलती है। पास्ट टेंस है, किसी ने पूछा पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बात समझ में। उसी तरह कोई फ्यूचर का पूछे तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो टोटल हमारे हो गए 4, इसके हो गए 4, इसके हो गए, और 4
इसको टोटल कितने हो गए 12। हमने 12 टेंस समझ लिए, तो 12 टेंस में महाभारत हासिल कर लिया, तो एक तरफ से मान लो 50-60% इंग्लिश कवर हो गई। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फिर यहाँ पे आएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, टेबल को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आ रहे हैं कि सबसे मेन चीज आते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं भाई? सहायक क्रिया। ठीक है भाई, सबसे पहले मेन सबसे मुद्दा आता है हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं जो जहांगीर बीच बीच में लेते रहता है गाली के रूप में, वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, ये सब देते हैं ना क्लास में, दो चार बच्चे हैं जो हेल्पिंग वर्ब लगाते रहते हैं अपने सेंटेंस के बीच में। कौन है वो? अमन। तो उसी तरह जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अब सबसे बड़ी मेन चीज होता है हेल्पिंग वर्ब को पहचानना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मुद्दा आता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा मुद्दा आता है वर्ब का कि उसमें क्रिया कौन सी हो रही है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, या फिर थर्ड फॉर्म है। वैसे होते टोटल 5 फॉर्म है, लेकिन हम यूज में कितने फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बाद 2 और है जो आप कॉलेज में पढ़ोगे। ठीक है, कॉलेज का ज्ञान अभी ले लोगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना, मेमोरी फुल हो जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास 2-3-4 चीजें मेन हो गई। एक तो सहायक क्रिया हो गई, दूसरी क्या हो गई? वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? कर्म, जो काम करने से, क्रिया से, जो क्रिया से संबंध रखता हो, जो क्रिया से संबंध रखता हो। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ समझा देता हूँ और फिर इसको हम मिटा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा कि हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब हम की जगह हम भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपने लिए सिंपल सा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें आपको सब चीज़ें अलग अलग करके बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब करता। इस पूरे सेंटेंस में काम कौन करेगा? मैं। ये काम कर रहा है ना, पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक है भाई, और ज़्यादातर सब्जेक्ट आगे ही रहता है, हमेशा सब्जेक्ट आगे ही रहता है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी ने लिख दिया क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, हूँ कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसको सब्जेक्ट मान ले, ये सब्जेक्ट होगा क्या? क्या सब्जेक्ट है? नहीं, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट वही जो काम कर रहा है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा आता हमारी वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। इसमें काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? बनाना। वीडियो तो एक वो हो गया, फॉर्मेट हो गया, लेकिन मेन काम क्या है? बनाना, बना रहे। तो बना रहे ये हमारे एक ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हमारी ये क्रिया हो गई। क्या हो गई भाई? क्रिया, वर्ब हो गई। आगे बात समझ में? ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म आती है कि हमारे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? मैंने आपको बोला कि जो क्रिया से संबंध रखता हो, किससे? क्रिया से संबंध। क्रिया क्या है? बनाना। अब क्या बना रहा है भाई? वीडियो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? तो इस तरह से पूरे एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 3 चीजें, बता दिया आपको सब्जेक्ट, बता दिया वर्ब, बता दिया ऑब्जेक्ट, बता दिया हेल्पिंग वर्ब। सब में अलग अलग होगी, सब में अलग अलग होगी ना भाई। 12 है तो 12 हेल्पिंग वर्ब होगी, अलग अलग मतलब 12 के अंदर अलग अलग हो सकती, 12 टेंस के 12 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगी, समझ गए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे टेबल को पढ़ो, तो यहाँ पे किस टेंस के बारे में लिखूंगा मैं? यहाँ पे देखो प्रेजेंट आ रहा है, इसके सामने क्या आ रहा है? इंडिफिनिट। तो यहाँ पे किस टेंस के बारे में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ किसके बारे में लिखेंगे? समझ गए,
कि यहाँ पे पास्ट आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूस, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में लिखेंगे, समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहचान, उसको पहचानते कैसे हैं, सबको पता है कैसे पहचानते हैं, लास्ट में ता है ती है ते है, यही होता है ना, लास्ट में ता है ती है ते है, आपने ये लिख रखा है ना कि वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना। लिखना क्या है, वाक्य के जैसे ता है ती है बोला ना, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि पुष्पा बाहुबली का पिता है, अब लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है? नहीं है, नहीं सर, नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट में ता है आ जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्यों नहीं है कौन बताएगा? कहते दिया नहीं है भाई, लास्ट में ता है दिख तो रहा है, क्यों नहीं है? कभी डीपली घुसे ही नहीं अंदर, है ना, बार बार से आ गए। सिंपल सा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है ती है ते है आता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। और जिस सेंटेंस में क्रिया नहीं होती, जिस सेंटेंस में क्रिया नहीं होती, समझ रहे बात को, जिस सेंटेंस में क्रिया नहीं होता, क्रिया क्या होता है, क्रिया मतलब कोई भी काम, कोई भी काम, समझ गए? तो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? पुष्पा कोई काम है? बाहुबली कोई काम है? का कोई काम है? पिता कोई काम है? है कोई काम है? इसमें कोई काम ही नहीं है, मतलब कि इसके अंदर क्रिया ही नहीं है, समझ गए? और जिस सेंटेंस के अंदर, चाहे वो कोई सा सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के अंदर क्रिया नहीं है वो तुम्हारा होता है कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। जिस सेंटेंस के अंदर क्रिया नहीं है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब तुम्हें ये पता करना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो कैसे पता चल जाता है? लास्ट वाले वर्ड्स है तो क्वेश्चन में आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर था होता तो पास्ट कंटिन्यूस, या दो भी आएगा तो किस में चला जाएगा, फ्यूचर। समझ गए अच्छी तरह से बात को, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्रिया ही नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक तो तुम्हें पता है रहा रही आता है ना, साथ में जिस वाक्य में क्रिया नहीं होगी वो भी तुम्हारा कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूस टेंस होगा। बैठ जाओ मेरे देवताओं, और आया तो बैठ जा, यहाँ से दिख रहा है आराम से ऐसे। तू तो अब कहते ही पुष्पा और बाहुबली में घुस रहे हो, पुष्पा बाहुबली का पिता है? नहीं सर, नहीं है, ठीक, चलो आ जाओ, अरा टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्पेस भी खत्म हो जाएगा, बैटरी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, कंटिन्यूस टेंस किसे कहेंगे, जिसमें एक तो क्रिया नहीं हो और दूसरी चीज तुम्हें पता ही है रहा रही रहे, अगर रहा रही है आएगा, भाई रहा है रही है रहे तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर रहा था रही थी रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रहे होंगे रहा होगा या रही होगी वो किस में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, समझ गए। तो इंडिफिनिट का समझ गए, इंडिफिनिट में यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा से यहाँ पे, जिससे पूरा हो जाएगा ता ती ते, वो भी किसके बाद में, क्रिया के बाद में, क्रिया के बाद में ता ती ते हो, ता ती ते हो। अब यहाँ पे अपने डेफिनेशन के हिसाब से डाल देना, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूछेगा भाई ता ती है तो यहाँ पे क्या लगेगा, है, क्या लगेगा, है, ता है ती है ते है, अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, था थी थे, और यहाँ पे होगा होगी होंगे, समझ गए। यहीं पे लिख देते हैं फिर, है ना, ता ती ते, यहाँ पे था थी थे, और यहाँ पे अरे गे गा गी, ठीक है, बस के गा गी होंगे, के
होगा गा होगी गी, तो लास्ट में हो गया गे गा गी, ये हो गया था था थी। तो तुम्हें तो 12 खड़ी पढ़ी ना सब बचपन में, तो 12 खड़ी यहाँ काम आएगी, ता ती ते, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या आएगा, रहा है रही है रहे है। यहाँ पे रहा कंटिन्यूस है, रहा था रही थी रहे थे। अरे पुष्पा भी बोल गया, रहा होगा रही रहे होंगे, ठीक है भाई क्लियर। परफेक्ट में क्या आएगा, चुका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चुका है चुकी है चुकी है। पुष्पा नहीं बोल रहा है, मतलब बोलेगा भी नहीं, झुकेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं, चुका था चुकी थी ठीक है भाई, बाकी अपने हिसाब से लगा लेना, समझ गए। उसी तरह आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, से रहे है से रही है या से रहे होंगे। जो कंटिन्यूस है उसके आगे से और लग जाएगा, जो उसके आगे है उसके साथ से और लग जाएगा प्लस चीज। दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूस में तुम्हें एक टाइम पीरियड भी मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टाइम पीरियड। जैसे यहाँ पे तो कोई सेंटेंस हो गया कि वह घर जा रहा है या वह दिल्ली रह रहा है, वह दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वह दिल्ली में रह रहा है, ठीक है भाई। तो लास्ट में क्या आ गया, रहा है, तो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए, ठीक है। अब इसी को मैं कर देता हूँ कि वह दिल्ली में, यहाँ पे लिख देते हैं 5 साल से रह रहा है, ठीक है। अब से रह रहा है इसके साथ तुम्हें टाइम भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो रह रहा है, रह रहा है, अगर था होता तो इसमें आ जाते हैं पास्ट वाले में, कि वह 5 साल से दिल्ली में रह रहा था या वो 5 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, कंफर्म नहीं रहा होगा, समझ गए। भाई वो मुंबई में रहता है, नहीं मुंबई में, कहाँ, जंगल में, तमिल में, तमिलनाडु। अब कुछ नहीं बोलेगा वो, अब बोलेगा नहीं कुछ भी, किया है इसने, नकल मार के किया है, नहीं याद किया था, वह दिल्ली में 5 साल से तो रहा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है या से रही है या से रहे है मिलेगा, साथ में एक टाइम भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, से रहा है और से रही है, ठीक है भाई। इसके साथ यहीं पे लिख देता हूँ, साथ में समय भी मिलेगा, साथ में समय, ठीक है भाई। इसको मिटा दो, मिटा दो ये सर। तो उसी तरह ये कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, से रह रहा था या से रह रही थी, और ये से रह रहे रहा होगा या से रह रही होगी, समझ गए, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ से आपको पूरे के पूरे 4 12 के 12 टेंस के वो बता दिए कि कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। अब
सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब याद करने का कोई तरीका तो नहीं? तो सबसे बढ़िया तरीका इसका एक चार्ट बना लेना, ठीक है, अपने सोते समय जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र बार बार जाती है ना, हाँ वहीं वहीं बाथरूम के गेट पे, ऊपर वाली छत पे, मोबाइल टीवी के कवर पे, कि टीवी की जगह चार्ट पे नजर पड़े। सुबह सुबह वॉशरूम होते समय वॉशरूम में जैसे गेट बंद करे तो गेट पे सीधा नजर रहे, है ना। मोबाइल के वॉलपेपर पे, फ्री फायर के अंदर वॉलपेपर पे, ठीक है ना। तो सब जगह चार्ट को लगा देना, जिससे कि तुम्हें अच्छी तरह से एकदम चार्ट छप जाएगा तुम्हारे आँखों में, एक्सरे की तरह, फोटोकॉपी मशीन की तरह, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफरेंट में क्या लगता है भाई, इसमें क्या लगेगा? डिड, ओनली डिड। इसमें शैल, विल, ठीक है, वेरी गुड। इसमें इसमें सर जी लगेगा इज एम आर। इसमें पुष्पा को सारा याद है। इसमें ठीक है। इसमें हैज और हैव। इसमें ओनली हैड, ओनली हैड। और इसमें shall have, will have, will have, ठीक है। इसमें हाँ has been और have been। इसमें had been, इसमें shall be have, shall be have, will be have, ठीक है भाई। यस सर, हो गया। अब हमारा एक मेन मुद्दा खत्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है कि भाई कौन सा टेंस है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और करनी है, क्या क्रिया, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो सब में पता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इन सभी में क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट। इसमें आई एन जी लगता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और लगानी, सब में क्या लगानी है, आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी, ठीक है भाई। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की इस पूरे वाली, अब इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म मतलब वी थ्री, वी थ्री, वी थ्री, ठीक है भाई, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें वही कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या लगाना है, आई एन जी, कंटिन्यूस जहां भी दिखे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, समझ गए, ठीक है। yes, परफेक्ट वाले में क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा एक तरफ से टेंस का बिल्कुल निचोड़ करके डाल दिया है, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे और बच गया कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन जो साधारण वाक्य होता है इसमें, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, समझ गए। प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब इसमें और इसमें, जो सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, साधारण वाक्य, मैंने हिंदी नहीं पूछी उसकी, उसका एग्जाम्पल बताना, बताना भाई, सिंपल सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस बता दे वाक्य, बस सिंपल सा, मैं स्कूल जाती हूँ। सिंपल सेंटेंस का मतलब हो गया कि उस वाक्य के अंदर नेगेटिव नहीं हो, ना ही क्वेश्चन मार्क हो, ना ही नेगेटिव हो, ना ही क्वेश्चन मार्क हो। जैसे कि इसने बताया मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये हो गया सिंपल सा, ना तो इसमें नहीं है और ना ही इसमें क्या है, ठीक है ना। अगर इसी की जगह हो जाता मैं स्कूल नहीं जाती हूँ तो नेगेटिव हो जाता,
क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता। अगर दोनों आ जाते क्या और नहीं, कि क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन सिंपल बोला मैंने, तो सिंपल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव ना ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बैठ जाओ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में, किस में? सिंपल सेंटेंस में। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है, इसमें भी सेम। ठीक है भाई, कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं, फिर उसके साथ करेंगे क्या? उसमें करेंगे क्या? क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ एस या ई एस मिला, क्या मिलेगा? एस या ई एस मिलेगा। समझ गए, क्रिया के साथ एस या ई एस मिलेगा। ठीक है भाई, एस या ई एस मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसमें इसमें एस या ई एस नहीं लगाते, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। इसमें तो मैंने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। किसमें? सिंपल साधारण वाक्य है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, तो उसके जगह पे हम लगा देते हैं एस या ई, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडिफिनिट में जाता हूँ, तो उसमें क्रिया वो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। क्रिया की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अच्छी तरह से आगे बात समझ। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पूरा एक तरह से मान लो टेंस का रामबाण टेबल हो गया। इसको कवर कर लिया तो 30-40% तुम्हारे टेंस वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जिससे कि इसका अगला वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि टेंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन से हमें कैसे कैच करना है, कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एस ई एस क्या क्या लगाएंगे, वो सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताएं। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए अगले वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगले वीडियो जैसे आती है आपको तुरंत मिल जाती है। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।